लेट्स टू क्वेश्चन नंबर ऑफ सिक्सटीज़ सिक्सटीन ए दैट इज एरिया ऑफ सर्कल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इज द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ अ रनिंग ट्रैक शोन इन द फिगर इज फोर हंड्रेड मीटर वो कह रहा है इस फिगर में जो इनसाइड ट्रैक दिखा रहा है उसका पेरीमीटर दे रखा है फोर हंड्रेड मीटर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन इज नाइंटी मीटर जो स्ट्रेट पोर्शन है उसका जो लेंथ है वो नाइंटी मीटर ही है चाहे वो अंदर का है या बाहर का है उसका स्ट्रेट पोर्शन 90 मीटर ही है एंड द एंड्स आर सेमी सर्कल्स और जहाँ पे भी वो एंड होती है 90 मीटर वहाँ से सेमी सर्कल स्टार्ट हो जाता है राइट right? आगे क्या कह रहा है इफ़ द ट्रैक इज 14 मीटर वाइड एवरी वे अगर ट्रैक की वर्थ जो देखें वो 14 मीटर है सारी जगह से फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक हमें एरिया निकालना है ट्रैक का एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द ट्रैक और हमें आउटर बाउंड्री ये जो आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखिये हमें पेरीमीटर ऑफ रनिंग ट्रैक इंसाइड पेरीमीटर दे रखा है तो इनसाइड पेरीमीटर ऑफ रनिंग ट्रैक दे रखा है रनिंग ट्रैक दे रखा है 400 मीटर 400 मीटर दे रखा है और हमें स्ट्रेट लेंथ 90 मीटर दे रखी है तो आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की यहाँ से यहाँ तक की ये यह, यहाँ से यहाँ तक की ये यह, क्या है स्ट्रेट है राइट right? तो अगर मैं यहाँ से ये मार्क कर दूँ कि यहाँ से ये सेमी सर्कल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं तो ये हमें पता है कि ये भी नाइन्टी ये भी 90 मीटर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और ये भी 90 मीटर और ये भी 90 मीटर है क्योंकि ये क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया और ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हैं उसकी राइट और यहाँ से हमारा सेमी सर्कल स्टार्ट होता है देखिए इनसाइड पैरिमीटर दे रखा है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं देखिए हमारा इनसाइड साइड कैसे निकलेगा Perimeter लिख रही हूं. किसका ए बी सी एंड डी इंक्लूडिंग सेमी सर्कल पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी कहें तो कैसे निकलेगा दैट इज ये देखिए ये ए बी ये ऐड किया ये सेमी सर्कल ऐड किया ये स्ट्रेट लाइन ऐड की फिर सेमी सर्कल ऐड किया तो हम कह सकते हैं ए बी प्लस सी डी ए बी प्लस सी डी प्लस आधा सेमी सर्कल और आधा सेमी सर्कल तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है हाफ ऑफ टू पाई आर तो हाफ ऑफ 2 पाई r प्लस हाफ ऑफ 2 पाई r ये आ गया तो अब पेरीमीटर कितना दे रखा है दैट इज 400 हंड्रेड इक्वल्स टू ए बी कितना दे रखा है 90 सी डी भी 90 दे रखा है प्लस हाफ इंटू टू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई की वैल्यू दे नहीं रखी है तो 22 टू अपॉइंट सेवन लेनी है और आर हमें दे नहीं रखा प्लस हाफ इंटू टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर ये आ गया तो ये कितना आ गया फोर हंड्रेड इक्वल्स टू नाइन्टी प्लस इज वन एट्टी अब देखिए टू से टू कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया प्लस ट्वेंटी टू अपॉन सेवन आर प्लस ट्वेंटी टू अपॉन सेवन आर आ गया राइट right? अब हमने 400 में से 180 इधर लिया है तो माइनस का हो गया इक्वल्स टू तो इस साइड हमने एल लिया तो ये कितना आ गया 22R टू आर प्लस ट्वेंटी आर तो ये कितना आया आप फोर में से 180 जाएगा तो 220 आया तो 220 ट्वेंटी ईक्ल्स टू अब देखिए 22R 22R आर 22 आर कितना हो गया 44R फोर आर अपॉन सेवन तो आर की वैल्यू कितनी आ गई टू ट्वेंटी इन टू सेवन अपॉन फोर्टी फोर तो इलेवन टू जो ट्वेंटी टू एंड जीरो इलेवन फोर जो फोर वन जो फोर फोर फाइव जो ट्वेंटी तो आर आ गया हमारा फाइव सेवन जो इज थर्टी फाइव मीटर हमें आर पता चल गया कि आर कितना है हमारा देखिए अगर हम इस सेमी सर्कल की बात करें तो ये क्या है यहाँ पे ये ओ पॉइंट है इसी तरीके से ये मान लीजिए एस पॉइंट है तो ये हमारा थर्टी फाइव आ गया मीटर तो इसी तरीके से ये भी थर्टी फाइव मीटर आ गया राइट right? अब ए डी देखें या बी सी देखें तो कितना हो जाएगा अगर मैं ए डी तो वो कितना हो जाएगा टू आई सफ आर दैट इज टू इंटू थर्टी फाइव सेवेंटी मीटर आ गया राइट right? अब लेकिन अगर मैं इसे भी मार्क कर दूं ये है ई एफ जी एच तो अगर मैं ई e एच निकालूं तो कितनी आएगी देखिए ए डी हमारा आ गया सेवेंटी मीटर और हमने ई e एच निकाली तो वो कितनी आएगी ए डी में हम क्या ऐड करेंगे ए डी में हम 14 इधर से और फोर्टीन इधर से ऐड करेंगे तो ये आ गया 14 प्लस फोर्टीन तो एडी थी हमारी सेवेंटी प्लस ट्वेंटी एट तो ये आ गई 98 एट राइट और हमारी ओ ई कितनी आ जाएगी रेडियस कितना आ जाएगा अगर सेमी सर्कल का निकालें देखिए इस सेमी सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमारा ये रेडियस कितना आ जाएगा इस पूरे ई एच का आधा तो ये आया एच का आधा दाइंटी 98 मीटर अपॉन टू तो यह आया फोर्टी मीटर आ गया राइट right? अब इसी तरीके से ओ ई कहें या एफ एस कहें सेम है एफ एस भी हमारा कितना आ गया 49 नाइन मीटर आ गया अब हम एरिया निकालेंगे किसका एरिया निकालेंगे इस अंदर के पूरे पोर्शन का और बाहर के पूरे पोर्शन का तो एरिया निकालते हैं एरिया ऑफ इनर रीजन दैट इज ए बी सी डी की बात कर रहे हैं तो कैसे निकलेगा ए बी इन टू ए डी क्योंकि ये देखिए ये क्या है एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो ए बी इंटू ए डी कह दिया मैंने और एडी की वैल्यू सेवेंटी आई थी राइट और प्लस करेंगे क्या ये सेमी सर्कल्स का एरिया प्लस दो सेमी सर्कल हैं देखिए दोनों का अगर एडी या बी सी लगाए दोनों सेम आ रहे हैं तो सेमी सर्कल्स भी सेम होंगे तो हमने टूआइस ऑफ सेमी सर्कल कह दिया टू आइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल राइट तो ए बी कितना था दैट इज ए बी था हमारा 90 और ए डी हमने निकाला 70 प्लस टू इन टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल सेमी सर्कल हो गया हाफ और एरिया क्या हो गया पाई डेट इज़ ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन आर कितना आया देखिए क्योंकि हम अंदर वाले रीजन का एरिया निकाल लें तो इसी का आर लेंगे तो ये आया था थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव इन थर्टी फाइव क्योंकि पाएर स्क्वायर होगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर तो ये कितना आ गया सेवन फाइव 35 थर्टी फाइव टू वन जो टू टू वन जो टू टू वन जो टू तो ये कितना आया नाइन सेवन जो सिक्सटी थ्री डबल जीरो प्लस टू की मल्टीप्लाई फिफ्टी फाइव इंटू थर्टी फाइव तो ये आया सिक्सटी थ्री हंड्रेड प्लस अब फिफ्टी फाइव इंटू थर्टी फाइव कितना आ गया थर्टी फाइव इंटू फिफ्टी फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव टू कह फाइव थ्री जो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन फाइव सेवन एंड वन तो ये आया फाइव टूल्व कैरी वन नाइन एंड वन इन टू टू दैट इज टू फाइव जेन टू टू जो फोर एंड फाइव टू नाइन जो एटीन टू वन जो टू एंड थ्री तो ये आया थ्री एट फाइव जीरो मल्टीप्लाई करके तो यह आ गया फाइव जीरो एज इट इज इलेवन नाइन एंड टेन मीटर स्क्वायर तो इसका मतलब इस पोर्शन का हमारा पूरा एरिया आ गया वन जीरो वन फाइव जीरो मीटर स्क्वायर अब इसी तरीके से हम बिगर पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे अब हमने निकाला एरिया ऑफ आउटर रीजन आउटर रीजन दैट इज ई एफ जी एच का एरिया तो कैसे निकालेंगे देखिए इसी तरीके से लेंथ इनटू ब्रेथ ई एफ इंटू ई एच ई एफ इंटू ई एच प्लस टू आईस ऑफ दो सेमी सर्कल्स तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल राइट तो ई एफ कितनी थी 90 और ई EH एच कितनी हो गई देखिए ई EH एच हमने निकाली थी 98 तो नाइनटी एट प्लस टू इंटू सेमी सर्कल का एरिया हाफ इंटू पाई पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन आर स्क्वायर अब ई एफ जी एच के लिए आर क्या है ये देखिए ओ ई है ई एफ ये इसके लिए ये जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस क्या है ये पूरा ओ ई और ओ ई हमने निकाला था फोर्टी नाइन मीटर तो फोर्टी नाइन इंटू फोर्टी नाइन तो ये कितना आ गया सेवन seven सेवन 49 फोर्टी नाइन ये टू इससे कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 19 इंटू नाइन्टी एट जीरो एज इट इज नाइन एट जैवेंटी टू टू सेवन कैरी नाइन नाइन 81 एट्टी वन एट्टी वन प्लस सेवन इज एटी एट प्लस अब फोर्टी नाइन इंटू सेवन टू वन फिफ्टी फोर तो वन फिफ्टी फोर इंटू फोर्टी नाइन नाइन फोर जो थर्टी सिक्स नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट नाइन वन जा नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर फोर जो सिक्सटीन ट्वेंटी वन सिक्स तो यह सिक्स फोर्टीन, फाइव एंड सेवन सेवन फाइव फोर सिक्स तो ये आ गया हमारा सिक्स सिक्स एट प्लस फाइव इज़ थर्टीन कैरी वन एट प्लस एट इज़ सिक्सटीन मीटर स्क्वायर तो इसका मतलब इस पूरे रीजन का एरिया आ गया वन सिक्स थ्री सिक्स सिक्स अब हम एरिया ऑफ ट्रैक निकाल सकते हैं कैसे बड़े में से छोटे का एरिया माइनस करके तो हमने कहा एरिया ऑफ ट्रैक ट्रैक का एरिया कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ आउटर रीजन माइनस एरिया ऑफ इनर रीजन तो आउटर रीजन आया हमारा एरिया डेट इज वन सिक्स थ्री सिक्स सिक्स वन सिक्स थ्री सिक्स सिक्स माइनस इनर रीजन का एरिया कितना आया वन जीरो वन फाइव जीरो वन जीरो वन फाइव जीरो तो ये कितना आ गया ट्रैक का एरिया सिक्स में से जीरो गया सिक्स सिक्स में से फाइव गया वन थ्री में से वन गया टू सिक्स में से ज़ीरो दैट्स इट मीटर स्क्वायर तो हमारा ट्रैक का एरिया आया गया सिक्स टू वन सिक्स मीटर स्क्वायर अब हमें क्या निकालना था पेरीमीटर ऑफ आउटर लेंथ निकालनी थी आउटर बाउंड्री तो कैसे निकालेंगे देखिए ई एफ और ये एरिया ऐड करेंगे प्लस ये जी एच ऐड करेंगे तो लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री आ गई हमारी आउटर बाउंड्री कैसे आएगी तो हमने लिखा ई एफ प्लस एच जी प्लस टू आईज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स राइट तो ये कितना आ गया ई एफ कितना था हमारा 90 और एच भी हमारा 90 था प्लस टू आइज द पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कल पेरीमीटर क्या होगा हाफ ऑफ टू पाई आर होगा राइट right? सर्कल का पेरीमीटर होता है टू पाई आर उसका हाफ तो पेरीमीटर आ गया सेमी सर्कल का उसका ट्वाइस क्योंकि दो सेमी सर्कल थे दोनों साइड इसलिए ट्वाइस कर दिया तो ये आ गया 180 एट्टी प्लस टू इन टू ये देखिए ये टू से टू कैंसिल हो गया पाई की वैल्यू आ गई ट्वेंटी टू अपॉन सेवन आर कितना आएगा आर देखिए आर आया ओ ई ओ ई कितना आया था ओ ई आया था फोर्टी नाइन क्योंकि आउटर बाउंड्री पे ई e पॉइंट है इसलिए ओ ई निकालेंगे तो ये आ गया फोर्टी नाइन तो सेवन सेवनजा फोर्टी नाइन तो ये आ गया वन एटी प्लस टू एन टू टू सेवन ज फोर्टीन टू सेवन जब फोर्टीन प्लस वन इज फिफ्टीन तो ये आया वन एट्टी प्लस टू फोर ज एट टू फाइव ज टेन टू वन जो टू एंड प्लस वन थ्री दैट इज फोर एट एट मीटर स्क्वायर इसका मतलब आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है वो कितनी आई गई फोर एट्टी एट मीटर स्क्वायर इज द आंसर